भाई आप देख सकते हैं यहाँ भी कूलर बनाए जा रहे हैं। देखो यहाँ देखो पर्दा इस तरह बनाया जाता है, ये कूलर यही कूलर हो रहा है और इस तरह पूरा कूलर की बॉडी तैयार की जा रही है। देखो इस तरह बनाए जाते हैं कूलर की बॉडी, कूलर बनाया जाता है। ये देखो भैया चादर काट रहे हैं इस तरह। और यहाँ हनीकम पैडी मिल जाएंगे आपको, अगर आपको कूलर के जाल मिल जाएंगे इस तरह के, ठीक है। मात्र 1650 रुपये का कूलर पड़ने वाला है, ये मात्र 1950 का मिलेगा वाइट बॉक्स, ये 1950 का, ये 1950, ये जो है 3500 कूलर मिलेगा लोहे का, ठीक है। इसको कौन सा एडजस्ट फैन लगा, बड़े बड़े कूलर भैया के पास, देखो ये सब 5 फुटा बोलते हैं इसमें, पांच फुटा बोलते हैं, ये कूलर मिल जाएगा आपको। फैंसी कूलर घर में रखे हुए अच्छे लगते हैं, ठीक है। ये किस नाम से भैया, ये किस प्राइस से शुरू होते हैं? तो भाई मैं मार्केट की दूसरी तरफ आ गया हूँ, यहाँ पता करते हैं प्राइस। भैया जी कहाँ से शुरू होती है आपकी रेंज कूलर की? हमारी रेंज 2000 रुपए से शुरू है। 2000 से? 2000 रुपए से शुरू है। अच्छा बाकी क्या बात है, ये चीज देखो एडजस्ट फैन में आपको प्लास्टिक कूलर मिल जाए, और क्या चाहिए? ये फैंसी कूलर हो गया नहीं तो? हाँ जी फैंसी कूलर। ये किस वजह पड़ेगा? डबल पंप है, डबल पंप लगेंगे इसके अंदर, और कूलिंग के साथ हैवी बॉडी। अच्छा हैवी बॉडी भैया। नमस्कार, मैं आपका अपना अरुण वशिष्ठ और एक बार दोबारा आ गया हूँ भाई इंद्रलोक मार्केट। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं भाई, इंद्रलोक मार्केट है। आज इस मार्केट चलेंगे और नई अपडेट लेंगे, क्या प्राइस चल रहे हैं कूलर के, सब कुछ बताऊंगा अपने इस वीडियो पे। आप वीडियो पे बन रहना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और अपने भाई पे प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई वीडियो की शुरुआत आज हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। और ये देखो यहाँ मेट्रो स्टेशन है इंद्रलोक का, और आज हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन आपको इंद्रलोक ही पड़ेगा, वो इस तरफ है। और यहाँ से हम घुस रहे हैं, देखो यहाँ कूलर कहाँ से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और यहाँ हनीकम पैडी मिल जाएंगे आपको, अगर आपके कूलर में जो इस तरह के पैड हैं खराब हो गए, आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। देखो साइज़ कटा हुआ है, और ये देखो कूलर की बॉडियाँ, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ आपको कूलर के जाल मिल जाएंगे इस तरह के, ठीक है। ये देखो कूलर की बॉडी है, वहाँ देखो प्लास्टिक के कूलर हैं। तो चलेंगे किसी शॉप पर और पता करेंगे। देखो प्लास्टिक के कूलर भी यहाँ मिल जाएंगे आपको, यहाँ प्लास्टिक फाइबर लोहा सब कुछ मिलता है। इस गली में चलते हैं और प्राइस पता करते हैं किसी शॉप पर। ये देखो किस तरह कूलर कूलर लगे हुए हैं, यहाँ भी कूलर कूलर। चलो इस शॉप में चलते हैं और पता करते हैं प्राइस, क्या क्या प्राइस है कूलर हमें मिलने वाले हैं और किस किस रेट मिलेंगे। अच्छा भैया जी कहाँ से रेंज शुरू रहती है आपके यहाँ कूलर की? इससे ये कितने पड़ेगा भैया जी? मात्र 1650 रुपये का कूलर पड़ने वाला है, वो भी हनी कम पैड के अंदर। देख सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं, और अगर आप यानी कि स्टूडेंट हैं, दो चार भाई यहाँ पास में रहते हैं, 1600 कूलर लेके ठंडी हवा आप आराम से खा सकते हैं मात्र 1650 रुपये का। ये जो आप प्राइस बता रहे हैं होल सेल में या रिटेल में? ये रिटेल में, होल सेल में ही रेट है इसका ही है। अच्छा होल सेल में, अगर कोई एक हमारा काम होल सेल में ही है, होल सेल का कोई एक आधा पीस नहीं आता आप उसको दे देते हैं? दे देंगे वो भी 1650 का देंगे कुछ? 1650 का दे देंगे भाई रिटेल में भी। सबसे अच्छी बात है आपको एक कूलर भी आपको उसी प्राइस में मिल जाएगा, ये इस मार्केट की खास बात है। तो और देखते हैं भाई इसके बाद जो क्वालिटी आती है ये किस प्राइस पड़ेगी भैया जी? ये मात्र 1950 का मिलेगा, वाइट बॉडी है सफ़ेद, यानी कि इसे कहते हैं ए ग्रेड प्लास्टिक बोलते हैं इसको, फर्स्ट प्लास्टिक है और हनीकम पैड लगे हैं इसके अंदर। और भैया जी मोटर कौन सी रहती है इसके अंदर? किट लगी। इसमें किट है, इसमें भैया किट बता रहे हैं भैया, ठीक है भैया जी। किट इतनी छोटे कूलर में किट लग जाएगी? अच्छा किट लगी हुई है। अच्छा खास बात यह है कि इतने छोटे कूलर में भैया ने किट लगा रखी है। आपके सामने चल रहा है, ये कितने रही है। अच्छा ये देखो ये टावर बोलते हैं इसको, टावर। हाँ ये देखो हवा का प्रेशर, जहाँ मैं खड़ा हूँ करीबन 5-6 फुट की दूरी मान लो, और हाँ पीछे यहाँ तक प्रेशर है इसका भाई। ये छोटे से कूलर का, ठीक है, 12 इंची बोलते हैं, 12 इंची टावर। ये किस प्राइस रहने वाला भैया जी? ये 2600 रुपये कूलर है। और भैया जी ये वाला कूलर? ये 1950 का कूलर रहने वाला भैया, ठीक है। और इससे बड़ा देखते हैं भैया जी, 16 इंची का जो कूलर आता है प्लास्टिक का, टावर में ये जो है ये 2700 रुपये। ये 16 इंची भैया जी, 12 इंची टावर, ये 12 इंची टावर है, ये 2700 पड़ेगा। हनीकम पैड के अंदर आएगा, हनीकम पैड में आएगा भैया, आपको दिखा देता हूँ। इस तरह के हनीकम पैड रहते हैं और ये बैड करीबन 3-4 साल चल जाते हैं ना, ठीक है। इनको वॉश करना पड़ता है। और 16 इंची में भैया प्लास्टिक कौन कौन सा? ये ऑरेंज वाला जो है 110 के अंदर है, ये 110 के अंदर 3400 रुपये का, ये 3400 रुपये का पड़ेगा। वाइट वाला ये है, ये पड़ेगा 3600 रुपये का, ये 3600 पड़ेगा वाइट वाला, और ये भी 3600 पड़ेगा। ये इसका ये रहा मॉडल फ्लैपी वाला, ये फ्लैपी वाला मॉडल बता रहे हैं भैया, ठीक है। ये कितने बताया था आपने? 3600 का पड़ेगा आपको। इसमें किट लगी हुई है ना भैया जी? 110 की मोटर है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, 110 वो होता है जो किट से थोड़ी अच्छी होती है और एडजस्टमेंट से थोड़ा नीचे होता है ना, ऐसे। हाँ तो ये 110 की मोटर मिल जाएगा आपको 3600 रुपये का। भैया जी ये कूलर अच्छा लग रहा है, ये कितने पड़ेगा? लॉन्ग के अंदर है, लॉन्ग के अंदर 4500 रुपये का, ये 4500 रुपये पड़ेगा भाई। ये देखो ये 3600 रुपये का,
ये उससे छोटा जो हमने अभी दिखाया है ये 16 इंची का है, ये 3600 का बता रहे हैं भैया। हनी कम बैठ गया भैया, पैकिंग बहुत लाजवाब कर रखी मैंने, ठीक है। आपको रेगुलेटर मिल जाएंगे कम ज़्यादा करने का, मूव करने का, ठीक है, पंप का, ये इस तरह आपको रेगुलेटर मिल जाएंगे। और लोहे के अंदर भी डील करते हैं भैया, देखो सामने नीचे भैया आपके माल बाहर, ये बाहर आपके माल है भैया। लोहे के अंदर कहाँ से कम रेट करते हैं, ये एडजस्टमेंट के अंदर मिलेगा हाँ भैया, ये जो है 3500 के अंदर मिलेगा लोहे का, ठीक है। इसको कौन सा एडजस्ट फैन लगा भैया जी, ठीक है, और इस तरह का रहने वाला है ये, सबसे कम प्राइस का है हमारे पास जी, तो सबसे कम है। अच्छा, इसका होलसेल आज के डेट के अंदर 3500-3600 रुपए का। अच्छा, होलसेल 3500-3600, आप रिटेल में दे देंगे 3500, आपको चैनल के थ्रू आएगा 3500 का भैया दे देंगे, ठीक है। ओ बड़े बड़े कूलर भैया के पास, देखो ये सब 5 फुटा बोलते हैं इसमें, ख्याल 5 फुटा बोलते हैं, ये हैवी शीट के अंदर है भैया, हैवी शीट में बता रहे हैं भैया, ठीक है। लोहे की लगवा रखी है, अच्छा ग्रिल है हमारी, ये प्लास्टिक के अंदर, हाँ ये प्लास्टिक के अंदर ग्रिल, यानी ग्रिल भी आपने अच्छी अच्छी क्वालिटी की लगा रखी है। अच्छा, ये कितने पड़ेगा भैया जी, 5 फुटा हमारा भारी क्वालिटी के अंदर है, 7000 का। एक इससे हल्का वाला आएगा, वो आएगा आपको 5800 रुपए का। ये 7000 का 5 फुटा कूलर पड़ जाएगा। कॉपर की मोटर है, एल्युमिनियम की मोटर है, कॉपर लगा के भैया, कॉपर की मोटर में फर्क आ जाता है, तो कॉपर की अच्छी मोटर मानी जाती है, तो वो आपको 7000 बताया ना आपने, 7000। और इसे हल्के वाला 5800 का, वो एल्युमिनियम, उसमें एल्युमिनियम की मोटर लगेगी, ठीक है। 15 इंची कूलर मिल जाएगी, 15 इंची कूलर कहाँ से रेंज शुरू होती है भैया, वाला जो है वो 2400 का, 2400 रुपए का, ये 3200 रुपए का और वो 2400 रुपए का, ठीक है। इस तरह रहने वाले कूलर, और देखते हैं ये डिजाइन वाले कूलर मिल जाएगा, वो फैंसी कूलर घर में रखे हुए अच्छे लगते हैं, ठीक है। ये किस नाम से, गैलेक्सी के नाम से है ना, गैलेक्सी के नाम से भैया जी। ये किस प्राइस से शुरू होते हैं, ये जो है आपको 5700 का पड़ेगा, 5700 रुपए का। इतना खूबसूरत कूलर आपको 5700 मिल जाएगा भैया। मोटर कौन सी लगी होती है इसमें, एडजस्ट फैन लगी होती है, ठीक है। और भैया जी ये भी सेम ही चीज है ना, सब सेम चीज है, और ये अलग है थोड़ा, ये अलग है, विंटेज का, ये 110 है, ये 110 है। ये कितने पड़ेगा, ये 5500 यार, 5500 में आपको इस तरह कूलर मिल जाएगा। तो और क्या चाहिए, ये हैवी वाला, ये 5000 का बेचता है, हाँ ये पड़ जाएगा 4400 रुपए का, 4400। भैया गेज कौन सा रहने वाला है कूलर का, इसके अंदर वैसे हम झूठ नहीं बोलते, मार्केट में इसको 20 गेज कहते हैं, 20 गेज बोलते हैं, ये है 22 गेज, ये है 22 गेज, मार्केट में 20 गेज क्या बोल देते, बोल के बेच देते हैं, पर भैया का जेन्युइन काम है। और इस तरह भी कूलर लगे हैं, रेड कलर का, ये हल्के वाले हैं, ये हल्के वाले, माल महंगा है, 5700 का था, ये 5200 रुपये, ये 5200 रुपये का फैंसी कूलर भी आपको 5200 का मिल जाएगा। इस तरह का देखो हटा, ये देखो इस तरह का रहना 5200 कूलर, ठीक है। और बहुत सारे आर्टिकल हैं, जब आप यहाँ आओगे आपको एक से एक मॉडल देखने को मिल जाएंगे। भैया का मैं एड्रेस थोड़ा समझा दूँ, बता दूँ आपको, ठीक है, विजिटिंग कार्ड में मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है। और भैया ये प्राइस जो है ये एक हफ्ते के, कारण यही है क्योंकि धातु की आइटम है, ऊपर नीचे चलता रहता है। ये भैया की दुकान का नाम और एड्रेस, और इस तरफ ये हमारी दो दुकान है, हाँ ये 15 नंबर दुकान बाहर है, ये 329 नंबर शॉप नंबर, ये शॉप नंबर 329 है, और 15 भी जो शॉप नंबर 15 है वो इन्हीं की है, मेन रोड पे, मेन रोड पे मेट्रो से आप आओगे गेट नंबर 4 से, हाँ बिल्कुल सीधा आ जाना, यहाँ पर बिजली घर है, वहाँ से लेफ्ट हो जाना, गेट नंबर 4 से जब आएंगे तो बिजली घर से लेफ्ट होके भैया की शॉप, किसी पूछने कोई बता देगा, 329 नंबर फेमस शॉप है। तो चलो नाम से चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या खास है इस मार्केट के अंदर। भाई आप देख सकते हैं यहाँ भी कूलर बनाए जा रहे हैं, देखो यहाँ जैसे मैंने बताया कूलर बनते हैं, देखो पर्दा इस तरह बनाया जाता है, ये कूलर भैया, ये कूलर का पर्दा नहीं, ये कूलर का पर्दा तैयार हो रहा है, और इस तरह पूरा कूलर की बॉडी तैयार की जा रही है, देखो इस तरह बनाए जाते हैं कूलर की बॉडी, ये भैया अभी सुराख करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और पर्दा इस तरह बनाया जाता है, उस तरफ जैसे चादर काट के कूलर तैयार किए जाते हैं, तो इस तरफ भी आपको कूलर मिल जाएंगे देखने को। चलते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं क्या है, और ये देखो चादर आती है इस तरह की, ठीक है, चादर काट के कूलर बनाया जाता है, ये देखो भैया चादर काट रहे हैं, इस तरह की चादर आती है और चादर काट के कूलर बनाया जाता है। आगे चलते हैं, वहाँ भी देखो कूलर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भाई कूलर बनते हैं, और यहाँ कूलर बहुत ही सस्ते रेटों में मिल जाएंगे आपको, अगर चाहिए हो तो ज़रूर आएँ। ये देखो यहाँ भी देखो ये काम चल रहा है कूलर का, तो बस पता करते हैं किसी से प्राइस, चलते हैं किसी दुकान पर क्या क्या प्राइस हमें कूलर मिलने वाले हैं। तो भैया हमें एक शॉप और मिली, ठीक है, यहाँ देखो आपको एडजस्टमेंट मिल जाएंगे इस तरह के, ठीक है, भैया ने ऊपर लगा रखे हैं सारे आर्टिकल, ठीक है। नीचे आपको कूलर मिल जाएंगे इस तरह के, जो देखिए कितना अच्छा लग रहा है कूलर, रेड कलर का है और हनीकम पैड है। प्राइस पता करके सभी कूलर का, ये देखो छोटा सा कूलर, ठीक है, रूम कूलर है। भैया जी आपके यहाँ लोहे के कूलर की रेंज कहाँ से शुरू आती है, 2000 वाला कौन सा भैया जी, ये 2000 का कूलर है, ठीक है। और इसमें जो मोटर रहेगी कौन सी रहती है, 12 इंची, ये 12 इंची कूलर होगा, ठीक है। और देखते हैं भैया जी एक वो तार वाला बोलते हैं कौन सा रहता है इनमें तार वाला, ये कितने पड़ेगा भैया जी, ये वाला 3000, 3000 का बता रहे हैं भैया जी। इसमें मोटर एडजस्ट की रहेगी या फिर कुप्पे की, मोटर कुप्पे की भैया, पाउडर कोटिंग है या फिर पाउडर कोटिंग वाला माल है, ठीक है।
और ये जो आप रेट बता रहे हैं होलसेल के रिटेल के? होलसेल के रेट हैं। अगर कोई आता है 8-10 पीस लेता है तो कुछ कम होंगे या नहीं होंगे या ये रेट लगाओगे? ये रेट जब आपको होलसेल की दे रहे हैं। अच्छा, फिर ये रहेंगे भाई। अगर कोई रिटेल में लेता है तो 200-300 फालतू करके दे देते हैं आप। ठीक है भैया, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई जी। ये जो छोटा कूलर है ये कितना पड़ेगा? ये वाला भाई सिस्टम होलसेल दे रहे 2000 रुपये का, और ये 2000 का है होलसेल का रेट। और रिटेल में? रिटेल में क्या है 3000। 3000 का फर्क पड़ जाएगा जी, भारी बॉडी में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो वो आप रिटेल में लेने आएंगे तो भैया 2-400 रुपये कम भी कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। और देखते हैं बॉडी में ना। अच्छा अच्छा, भारी बॉडी के अंदर कितने गेज में रहेगी बॉडी उसकी? ये 22 गेज बॉडी में। 22 गेज बॉडी के अंदर। और देखते हैं इस तरह के रहेंगे भैया। ये बड़ा कूलर तार वाला ये 4000 रुपये एडजस्ट फैन है, इसमें एडजस्ट फैन मिलेगा। ठीक है आपको। और ये देखो पैंट वाला लेते हैं। हाँ, ये भारी बॉडी में 22 गेज के अंदर है। 22 गेज के अंदर है। ये कितने पड़ेगा? 5000 रुपये का। ये 5000 रुपये का एडजस्ट फैन। इसमें कोरा भी मिल जाएगा, पेंट वाला भी मिल जाएगा। कोरा भी मिल जाएगा और पेंट वाला भी मिल जाएगा। 5000 का बता रहे हैं भैया। और मोटर एल्युमिनियम की रहेगी? हाँ जी, एल्युमिनियम मोटर एल्युमिनियम की रहेगी। और ये 9 इंची जो कूलर है ये वाला 3200 रुपये का है। 3200 रुपये ये 12 इंची 9 इंची 12 इंची टावर बोल दो इसे, 12 इंची टावर ये लगता है। भैया एडजस्ट फैन जो है ये किसी प्राइस की पड़ेंगे? ये वाला 3500 रुपये का ऊपर में आटे वाला फैन है। अच्छा, ये तो जीसी की मोटर है शायद ना? ये जीसी की मोटर 2500 की पड़ेगी विद एक्सेसरीज पूरी। और ये भैया जी एडजस्ट फैन, ये वाला 1500 रुपये का, ये 1500 का पड़ेगा। एल्युमिनियम का है, 18 इंची एल्युमिनियम पूरी एक्सेसरी के साथ आएगा, एक्सेसरी के साथ आएगा भैया। और बहुत लंबी चौड़ी दुकान है भैया की। भैया की शॉप का नाम मैं आपको दिखा दूँ, भैया जी की शॉप का नाम ये रहेगा। ठीक है, और फ़ोन नंबर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप आ सकते हैं यार, वैरायटी बहुत सी है। अब ये देखो और भी मिल जाएंगे भैया जी। तो सामने फैंसी कूलर है, ये किस प्राइस का पड़ेगा? ये ऑटो सिंग वाला है भाई। ऑटो सिंग वाला है? हाँ जी हाँ। ये किस प्राइस का पड़ेगा? ये वाला भाई जान 9000 रुपये का। ये महाराजा? हाँ जी हाँ, ये 9000 का पड़ेगा। ठीक है, कौन से गेज में चादर रहेगी? ये 22 गेज के अंदर है। 22 गेज के अंदर चादर रहेगी। 18 गेज का बता रहे हैं भैया। ठीक है, नीचे वाला। अच्छा, 18 गेज का कूलर मिल जाएगा, मॉडल ये रहेगा। ठीक है, मॉडल ये रहेगा। हाँ, नीचे दबा हुआ है थोड़ा, दिखाने से ग्रिल भी स्टाइलिश ग्रिल है देखो। ठीक है, ये किस प्राइस का पड़ेगा भैया जी? ये वाला 8000 रुपये का। 8000, 18 गेज के अंदर 8000 का दे दोगे आप? नहीं नहीं, ये वाला है। अच्छा, 18 गेज का पूछ रहा था मैं तो। 18 गेज वाला लेते हो 12000 रुपये। वो 12000 रुपये का है, उसमें वजन ज़्यादा हो जाता है। और पर्दे लोहे के रहेंगे प्लास्टिक के रहेंगे? लोहे। इसमें तो प्लास्टिक का लगता है? लोहा। ठीक है, नॉर्मल पेंट मार देता हूँ वाला, सामने भट्टी भी हमारी अपनी खुद की है। अच्छा, खुद ही पाउडर कोटिंग करते हैं। और ये भैया जी ये 22 गेज का बता रहे ना आप? हाँ जी हाँ। ये 8000 का बताना आपने? हाँ जी, ये फैंसी कूलर है भैया, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और अच्छी कूलिंग करता है। ये आपको 8000 का पड़ जाएगा। और भैया के पास बहुत सी वैरायटी है, आप जब आएंगे विजिट करेंगे तो आपको एक से एक वैरायटी, एक से एक डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भैया की मैंने शॉप जैसे आपको बताई थी, एक बार और आपको दिखा देता हूँ यहाँ का एड्रेस और इनका, इनकी शॉप का नाम, शॉप का एड्रेस और फ़ोन नंबर भी आपको दिख रहा होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं क्या खास है इस मार्केट के अंदर। तो भाई मैं मार्केट की दूसरी तरफ आ गया हूँ, यहाँ पता करते हैं प्राइस क्या क्या प्राइस है यहाँ पर भाई। ठीक है, जैसे ही कूलर में तेज़ी आ चुकी है तो यहाँ प्राइस पता करेंगे। देखो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कूलर, यहाँ पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ किस किस प्राइस के आपको कूलर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ चारों तरफ आपको कूलर ही कूलर मिल जाएंगे। कौन है भैया पता करते हैं। ठीक है भैया जी, आपो यहाँ पे, यहाँ आपो। अच्छा भैया जी, कहाँ से शुरू होती है आपकी रेंज कूलर की? हमारी रेंज 2000 रुपये से शुरू है। 2000 से? 2000 रुपये से शुरू है। अच्छा, बाकी कौन 2000 का कूलर कौन सा है? 2000 रुपये का ये वाला कूलर है। अच्छा, निशा का। हाँ जी, ये एडजस्ट फैन में, एडजस्ट फैन में है निशा कूलर। 15 इंची एडजस्ट लगा हुआ है? नहीं, 12 इंची का। 12 इंची एडजस्ट लगा हुआ है इसमें। और निशा कूलर 2000 का बता रहे हैं भैया। और देखते भैया इससे ऊँची वाली रेंज फिर बताओ जी। फरीद भाई बताओ, इससे ऊंची वाली रेंज आपको, इससे ऊंची वाली रेंज आपको मिल जाएंगे भैया। कौन से ऐसे ऊंची वाली रेंज? फिर ये वाले आ जाते हैं प्लास्टिक के, फिर हाँ। लोहे में आ जाते हैं। अच्छा, प्लास्टिक कहाँ से शुरू होते हैं आपके? प्लास्टिक के मेरे पास से 2500 रुपये से शुरू है। 2500 वाला कौन सा है? 2500 रुपये का ही है। ये 12 इंची है? 12 इंची लॉन्ग? जी हाँ लॉन्ग, 3.5 फुट हाइट। ये 3.5 फुट हाइट बता रहे हैं। ठीक है, और सिंपल घास में ये कितने बताया मैंने? 2500 का। 2500 रुपये। और ये वाला भैया? ये 2200 बैठेगा, 3200 रुपये का। ये 3200 हनीकम पैड में ना? हनीकम पैड में। और ये? ये 3500 रुपये का। ये 3500 का हनीकम पैड है, ये भी 12 इंची सारे। जी हाँ जी। और ये भी 16 इंची है। ये कितने पड़ेगा भाई जी? ये 3200 रुपये का। ये 3200 पड़ेगा, फाइनल है। और ये 16 इंची है? 16 इंची है। ये भाई जी किस प्राइस पड़ेगा? 16 इंची बैठेगा आपको 3200 रुपये का। 3200 किट में या 110 के मोटर में? ये किट में।
किट में पड़ेगा आपको 3200 रुपये। क्या बात है, इतना सस्ता कूलर मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और पता करते हैं जी, ये भैया 3500 रुपये का, ये हनीकॉम में, ये हनीकॉम के अंदर है 3500 16 इंची। भैया जी ये सात वाला वो सेम है, दोनों सेम है भैया, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट में जाओ, अच्छा एडजस्ट प्लास्टिक एडजस्टमेंट में मिल जाएंगे आपके कूलर। क्या बात है, ये चीज देखो, एडजस्टमेंट में आपको प्लास्टिक कूलर मिल जाए, और क्या चाहिए, ठीक है। ये 4500 रुपये का, ये 4500 कूलर पड़ेगा आपको एडजस्टमेंट के अंदर। हाँ जी भैया जी, ओनली 45 और भैया जी एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट कौन सा रहेगा इसमें, बेयरिंग का एडजस्टमेंट होता है। अच्छा एल्युमिनियम या फिर वो कॉपर? एल्युमिनियम होता है सर। एल्युमिनियम, ठीक है। और मार्केट में कॉपर नहीं बेचता, झूठ बोल देता है। अच्छा झूठ बोला जाता है, अच्छा जी। यहाँ भाई बिल्कुल जनरल काम किया जाता है। और ये भैया जी ये कितने पड़ेगा? 4800 रुपये का। 4800 रुपये पड़ेगा, पर मोटर एल्युमिनियम की रहेगी। और ये जबरदस्त पीस है, वाइट प्लास्टिक है, वाइट हनीकम के अंदर है। आपको दिखाता हूँ, हनीकम पैड लगे हुए इसके अंदर, ये देखो इस तरह के, ठीक है। और बहुत से स्टाइलिश कूलर हैं भैया के पास, आप देख सकते हैं। लोहे के टावर कौन सा भैया जी? ये देखो लोहे में भी आपको टावर मिल जाएंगे सर। ये फैंसी कूलर हो गया ना ये तो? हाँ जी फैंसी कूलर। ये किस वजह पड़ेगा? ये बैठेगा आपको 6500 रुपये का। 6500 रुपये का आपको इतना बढ़िया कूलर मिल जाएगा, चौड़ाई डबल पंप है, डबल पंप लगेंगे इसके अंदर, और कूलिंग के साथ हैवी बॉडी। अच्छा हैवी बॉडी भैया, ठीक है। और ये कितने बताया था आपने? ये बैठेगा 6500 रुपये का। 6500 रुपये पड़ेगा, इसकी चौड़ाई काफी है, और बाकी 30 इंची चौड़ाई है। हाँ, और ये 18 ऐसे है ताकि आप गैलरी में आप लगा सको, ठीक है। और देखते हैं ये भैया जी, ये किस वजह पड़ेगा? ये वाला बैठेगा आपको 5500 रुपये का फाइनल रेट। ये 5500 रुपये का, 25 इंची साइज है इसका, 25 इंची साइज है, और 18 ऐसे है, ठीक है। और ऐसे बहुत से मॉडल हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे स्टाइलिश मॉडल हैं, और हर तरह के कूलर रखते हैं। ये देखो मैं पहले आपको इनके थोड़े आर्टिकल दिखा दूँ, इस तरह के रहने वाले। और भैया की शॉप का एड्रेस ये रहेगा, आप देख सकते हैं, और इसमें फ़ोन नंबर, रूम नंबर, एड्रेस वैड्रेस सब कुछ आ गया, ठीक है। प्लॉट नंबर 408 रहेगा, नहीं 292। अच्छा वो 292 रहेगा, शॉप नंबर 292 रहेगा। हाँ जी, ये क्या भैया जी, ये 400? अच्छा, ये इस तरह भैया की शॉप है। अगर आपको आना है, आपको चीज़ अच्छी लगती है तो आप आ सकते हैं, सारी बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये क्रम्पटन का कूलर है? अच्छा ये क्रम्पटन का कूलर बता रहे हैं भैया, इसे जो मोटर लगी है क्रम्पटन की होगी। कूलिंग वाकई में यार एक अलग ही फील आ रहा है, फील करने में, ठीक है भैया जी। ये किस वजह पड़ेगा? 6000 का। जो बॉडी आपकी है, जो मोटर है वो क्रम्पटन की है, और जो पंप जो है वो हमारा अपना होता है। अच्छा वो इनका है भैया, मोटर जो है इसमें क्रम्पटन की लगी है, और वाकई में कूलिंग में बहुत आनंद आ रहा है, ये फील आ रहा है ठंडापन की। तो भाई ये थी इंद्रलोक की कूलर मार्केट। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और अपने भाई पे प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं दोबारा नए किसी वीडियो पे, जब तक के लिए हर हर महादेव।